ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए मैच को टीम इंडिया ने 99 रनों से अपने नाम कर लिया। बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल ने शतक जड़े, वहीं अश्विन ने 3 विकेट अपने नाम किए। टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने चोट के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरे मैच में शानदार शतक जड़ा और उनके इस प्रदर्शन ने टीम इंडिया की नंबर 4 की परेशानी को हल कर दिया है। अपने इस बढ़िया प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर ने मात्र 86 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। टीम इंडिया के फिर की गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने दूसरे वनडे में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और अश्विन की धारदार गेंदबाजी के दम पर ही टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अश्विन के अलावा जडेजा ने भी 3 विकेट झटकाए। अश्विन ने सीरीज के जरिए लंबे समय बाद वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया में वापसी की है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन इस जीत के बाद भी टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ खुश नहीं होंगे और उसकी वजह है टीम इंडिया की फील्डिंग। दूसरे वनडे के दौरान भी शार्दुल ठाकुर और ऋतुराज गायकवाड़ ने कैच छोड़े, जिससे जीत का इंतजार थोड़ी देर के लिए लंबा हो गया। एशिया कप से लेकर अब तक टीम इंडिया की फील्डिंग भारत के कोच के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर वनडे में दिखा शुभमन गिल का जादू। गिल ने वनडे करियर का जड़ा 6ठा शतक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गिल का पहला शतक। शुभमन गिल ने बल्ले से रचा इतिहास। वनडे में सबसे तेज 35 पारियों में दर्ज किए 1900 से ज्यादा रन। गिल ने दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला का तोड़ा रिकॉर्ड। शुभमन गिल ने इंदौर में खेली 97 गेंदों पर 104 रन की पारी। कैमरून ग्रीन की गेंद पर विकेटकीपर एलेक्स कैरी को थमा बैठे अपना कैच। साल 2023 में भारत के लिए सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बने शुभमन गिल। रोहित को छोड़ा पीछे। रोहित शर्मा के नाम 43 इंटरनेशनल सिक्स। गिल के अलावा श्रेयस अय्यर ने वनडे करियर का 3रा शतक लगाया। अय्यर 105 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अय्यर ने आखिरी शतक 2022 में लगाया था। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 200 रन की पार्टनरशिप। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खेली 164 गेंदें। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सीन अबॉट ने श्रेयस अय्यर को किया आउट। मैथ्यू शॉर्ट्स ने लपका श्रेयस अय्यर का कैच। अय्यर ने खेली शतकीय पारी। गिल अय्यर के तूफान के बाद कप्तान केएल राहुल ने 35 गेंद पर जड़ा अर्धशतक। राहुल ने इससे पहले मोहाली में भी खेली थी अर्धशतकीय पारी। सूर्य कुमार यादव ने भी जड़ा वनडे में 4था अर्धशतक। कैमरून ग्रीन के एक ओवर में बैक टू बैक जड़े 4 छक्के। इंदौर में फैंस हुए स्काई के दीवाने। मोहाली में अर्धशतक लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ का नहीं दिखा इंदौर में दम। हेजलवुड की गेंद पर 8 रन बनाकर लौटे पवेलियन। गायकवाड़ के अलावा ईशान किशन ने खेली 31 रन की पारी। पाकिस्तान टीम के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ ने दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आसिफ ने आरोप लगाया है कि अफरीदी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके दामाद शाहीन अफरीदी पाकिस्तान टीम के कप्तान बन जाएं।